एक चीज़ दिखाऊँ, देख के घबरा जाओगे। वैसे तो कुछ लोगों ने देख लिया होगा, ऐसे तो देखते रहते होंगे कुछ लोग, बट ज़्यादातर लोग ये चीज़ मिस कर जाते हैं। मतलब देखते भी है बट ये वाली चीज़ नहीं देखते हैं। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ ये देखो आप। तो फाइनली आपको एक ऐसी प्लेन स्पॉटिंग बताई दी जो मैं आपको बहुत समय से दिखाना चाह रहा था। तो भाई आप कमेंट में जरूर बताता कि प्लेन स्पॉटिंग अपन और करें क्या ऐसी। मतलब भाई अपने घर के इधर से ना बोइंग 747 MAX भी उतरते हैं कभी कभी, मतलब हर रोज़ तो नहीं, कोई कोई दिन उतरते हैं, पर मज़ा आता है देखने में भाई। ये तो थोड़े से छोटे छोटे हैं, एयरबस वाले हैं, 320, हाँ एयरबस 320 है। बोइंग 747 कभी आएगा या पता चलेगा कि आने वाला होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बहुत ख़तरनाक लगता है, बहुत बड़ा लगता है, और उससे बड़ा प्लेन तो कभी यहाँ उतरता भी नहीं है, इतना बड़ा रनवे भी नहीं है, तो ये एक दिक्कत है। बट फिलहाल अभी अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई तुम सुबह सुबह कहाँ चल रही है, कुछ पूछा मैंने कुछ, हम तो भाई मुसाफिर हैं, रात दिन सुबह कुछ नहीं देखते, बस कैजुअल वॉक जब हो जाए तब कंप्लीट कर लेते हैं। और समय मैं आपको बताऊँ तो वैसे भी समय भाई 6:30 के आसपास, शायद सिर्फ 6:15 बज गई है अभी तो, ठीक है। अभी अभी देखो सनराइज़ हो रहा है, ये है ना कि नहीं बढ़िया। विंटर आर्क भी शुरू हो गया भाई, अब ऐसा कह सकते हैं कि अब मज़ा आना शुरू होएगा। और आई होप सो कि आपको UFT सीरीज़ भी पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैंने पहली वीडियो डाल दी है। तो ऐसे ही अपन वीडियो डालते जाएंगे डेली, आपको अपनी प्रोग्रेस शेयर करते जाएंगे। जर्नी जो है अभी यहाँ से शुरू होएगी, और ये कहाँ जाके रुकेगी ये तो पता नहीं भाई। ये जर्नियाँ बस स्टार्ट हो जाती है, जर्नी जो भी है बस स्टार्ट हो जाती है, अपने को पता थोड़ा चलता है कि कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं। मंजिलें है जहाँ तक ले जाए भाई, वहाँ तक जाएंगे भाई। क्या बात है, और ये चेक करो भाई कितना सही लग रहा भाई। रोज रोज ऐसे मौसम देखने को नहीं मिलते है ना, अभी देख लो, अच्छे से देख लो एक बार और बता देता हूँ, ये देखो ये। तो भाई अपन तो जब अपने को टाइम मिलता अपन अपनी कैजुअल वॉक कंप्लीट कर लेते, मतलब सो कॉल्ड चलने का तरीका थोड़ा अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक, मतलब ये भी एक कुछ थेरेपी देती है। आप चाहे नाइट वॉक करो चाहे आप मॉर्निंग वॉक करो, हर एक चीज़ थेरेपी है। मॉर्निंग में आपका माइंड थोड़ा सा अलग वेव में रहता है, मतलब वेव बोले तो आप जिनको पता है कि भाई ये गामा वेव्स और थीटा वेव्स ये क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। ए भाई बताना बताना भाई भाई, ये आपका ब्रेन के एक वेव्स रहती है फ्रिक्वेंसी, जो कि समय समय पे बदलती रहती है। सुबह सुबह ये वेव्स थोड़ी अलग रहती, तो पॉजिटिव थिंकिंग और अलग अलग विचार आपके दिमाग में नए नए आते हैं। रात के टाइम तो थोड़े डल हो जाते हैं, तो थोड़ी अलग वाली वेव्स रहती है डल वाली, तो उसमें आप अपनी प्लानिंग सोच सकते हो कि हाँ आगे क्या करना है। मॉर्निंग में भी प्लानिंग सोच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मॉर्निंग में प्लानिंग नहीं सोच सकते हो, बस सिंपल सी बात यह है कि दोनों वेव्स में ना एक फ़र्क ये रहता है कि एक जवाब देता है और एक जवाब लेता है। मैं कब हो गया ये? अभी तो जस्ट मेरा दिन स्टार्ट हुआ है, अभी तो कोल्ड शावर लेना भी बचा हुआ है। इस ठंड के मौसम में अब जब शुरू हो रहा है तो अब ठंडे ठंडे पानी से नहाने में मज़ा तो क्या आएगा, बहुत मज़े आएंगे। एक चीज़ दिखाऊँ, देख के घबरा जाओगे। वैसे तो कुछ लोगों ने देख लिया होगा, ऐसे तो देखते रहते होंगे कुछ लोग, बट ज़्यादातर लोग ये चीज़ मिस कर जाते हैं। मतलब देखते भी है बट ये वाली चीज़ नहीं देखते हैं। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ ये देखो आप। क्या लग रहा भाई, देखो मैं इधर से इधर ले आता हूँ, अगर अपन ऐसा एक शॉट ले तो नीचे से बैठ के, क्या बात है क्या बात है, देखो कितना कितना सही लग रहा भाई, एकदम परफेक्टली मैच। तुम्हारा भाई है तो सही, एंगल ढूंढ ही लेते हर जगह से, और अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ध्यान से। अभी देखो ये वीडियो नॉर्मली चल रही है, मैं अभी इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, बट आप देखोगे ना तो धीरे धीरे करके वो जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सी मैं इसका एक्सपोजर कम कर दे रहा हूँ, आप देखो, क्योंकि मेरे क्या कैमरे में वो ग्रेडियंट्स लाइन है ना, तो मैं उसको बहुत अच्छे से उसको स्टेबल करके बैठा हुआ हूँ, मतलब बहुत स्टेबल से, और ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। अब
ऑब्वियस ही बात है भाई, सूरज ऊपर आएगा ठीक है, ये मत बोलना कि भाई ये क्या बातें कर रहा है, बट भाई बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है क्योंकि भाई आंखों से तो मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आंखें तो क्या है कि नॉर्मली उसको ज़्यादा ब्राइट देख रही है, बट कैमरे में क्योंकि मैंने एक्सपोजर कम कर रखा है, ये भाई ये नॉर्मल है, और अगर मैं एक्सपोजर कम करूँगा ना तो जाके आपको ये ऐसा दिखेगा, पर ऐसे में मालूम पड़ रहा है ये। देखो मैं आपको नीचे करके बताता हूँ, वापस से मैं वापस नीचे होता हूँ, ये देखो ये पहले कितना था और अब कितना है, सी कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है, पल्ला लग रहा भाई, एक नंबर लग रहा है। तो क्या नाचो भाई? सूरज चाचू भाई बहुत जल्दी में है आज, लगे बहुत जल्दी जल्दी आ रहे ऊपर। कुछ लोगों को ये चीज़ दिखती नहीं होगी, मतलब किसी किसी के तो इस टाइम पे रात हो रही होगी अभी। ओके तो मैंने अभी फ़िलहाल टाइम देखा और टाइम हो रहा है भाई 6:30 बज गई है ठीक है, और एक तो मैं एक्सपोजर बढ़ाने कम करने के चक्कर में खुद काला आ रहा हूँ। देखो अभी रुको एक्सपोजर सही करता हूँ, हाँ अब ठीक है, ब्राउन मुंडे तो ये मतलब मैं बताना चाह रहा था कि लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो सूरज देखा ही रखा है, हम तो सूरज चाचू को देखा करते हैं सुबह दिन शाम ढलते टाइम पे। देखो भाई आपने देखा होगा, पर कुछ लोग ना अर्ली सनराइज़ जो रहता है वो मिस कर जाते हैं, बट टेंशन नॉट, आपका भाई है आपको दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा आपको जो देखना, मतलब सब कुछ तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो फिलहाल अभी एयरपोर्ट तक चलते हैं और एयरपोर्ट को हेलो बोल के, मतलब अपना तो कोई वहाँ पे चाचू में ना लगता है कि जिसको अपन हेलो बोलने जा रहे हैं, बट ऐसे ही हाय बोल के आ जाएंगे, क्या पता किसी दिन प्राइवेट जेट औकात मेरे बहुत ज़्यादा हो गया रहने तो ओडिया जस्ट फोड़ा ही फोड़िया के खा गए भाई, और भाई के पास नंबर देख रहे हो, अरे मेरे को जेम्स बॉन्ड की एक तो ट्यून गाते नहीं आती यार, पर समझ जाना भाई। बाकी कुछ भी बोलो भाई, स्कोडा की गाड़ियाँ लगती तो है भाई, मतलब कहते हैं ना मास्टर क्लासी पीस, स्कोडा की गाड़ियों में वो दिखता है भाई। तो ये है बड़े बड़े टाऊ इंदौर का एयरपोर्ट, देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, तो इसको कर देंगे अपन हेलो और फिर चलेंगे यहाँ से। चल चल चल, फिर भी क्या मालूम कभी, ठीक है समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या? बढ़िया था गुरु। मैं कह रहा था मैं कभी प्लेन में बैठा नहीं तो मैं इसलिए एयरपोर्ट तक हेलो करके आ जाता हूँ, अंदर जाने से भी कोई मतलब तो है ना भाई, अंदर चीज़ें बहुत महंगी मिलती है ऐसा मैंने सुना है, पर चलो ठीक है यार कभी होएगा तो बैठेंगे भाई, अपन तो कभी ट्रेन में भी बड़े कम बैठे, बस में भी बड़े कम बैठे, सब जगह कम ही बैठे यार, उठना बैठना हर किसी के साथ बढ़िया बढ़िया था, बट थोड़े कम कम बैठे अपन। क्या बात है भाई, डिवाइन आर्या भाई इंदौर में सुशीला देवी बंसल कॉलेज में BGI। तो भैया कोई डिवाइन का फैन वैन हो तो इंदौर आ जाना भाई, 19 अक्टूबर 2024 को डिवाइन तुम्हारे शहर में आ जाएगा, अच्छे से बात कर छोड़े, अच्छे से बात कर। और देखो मैं यही बोल रहा था अभी जस्ट बस 5 मिनट हुए और देखो भाई क्या भयंकर तेज हुआ है, मतलब सूर्य में तेज ऐसा आ गया, ऐसा मैं बीटीए जैसा करूँ क्या मैं ये कुछ कुछ लड़कियाँ करती है वैसे, मैंने रिश्ता में देखा था, खाओ माँ कसम। अब बोलना मत कि भाई तुम ये क्या देखा करते हो, वैसे ऐसे ही दिख गया था बस मेरे को। क्या है कि कभी कभी एस्थेटिक चीज़ें अपन देख लेते हैं, अपनाते नहीं है ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, क्रिएटिविटी है एक तरीके से, वो भी एक क्रिएटिविटी ठीक है, तो उसको क्रिएटिविटी तरीके से लिया करो, क्रिंज छपरी क्रिएशन मत बोला करो। देखो भाई कोई सोचता है उस चीज़ को लेके कि ऐसे करो, ऐसे तो कभी मत करो, बट मतलब जो भी है अच्छा रहता है वो वाकई में। अच्छा एक चीज़ ना मैंने अभी नोटिस करी, नोटिस तो क्या ऑब्जर्व करी, वैसे एक सेकंड बात तो ऐसे एक ही है, मतलब अभी क्या हुआ ये चीज़ें क्योंकि ज़्यादा होने लग गई थी तो मैंने सोचा कि ना आपको बता ही दूँ। तो देखो भाई पहली चीज़ तो 3 तरह की चीज़ होती है, रनिंग जॉगिंग और वॉकिंग ठीक है, ये तीनों ही आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है, बट जहाँ तक
मेरा मानना है वॉकिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कूल डाउन भी होती रहती है और प्लस चार्जअप भी हुआ करती है साइमेंटेनसली। बट जॉगिंग में क्या होता है कि एक जगह के बाद ना फिर मसल फटीक होना शुरू हो गया, रनिंग में तो और ज़्यादा ही, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं ये ज़रूरी रहती है भाई, मतलब एक हेल्दी लाइफ के लिए। बट ऐसा नहीं कि आपको किसी को कुछ साबित करना है, मतलब मैं अभी कुछ अंकलों को देख रहा था, मतलब यही मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा था, मैं बहुत समय से नोटिस करते आ रहा हूँ कुछ अंकल ना ट्रिगर हो जाते हैं उस तरीके से कि जैसे वो कुछ देखते कि एक नौजवान आ रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब मैंने तो सामने भी अभी जस्ट ऐसे ही देखा था कि एक जो कोई था, मतलब ऐसे यंगर एज का ही था, वो रनिंग कर रहा था, मतलब रनिंग तो नहीं सॉरी मतलब जॉगिंग कर रहा था, तीनों चीज़ अलग अलग होती तो समझ जाना, वो सिर्फ एक नॉर्मल पेस पे जॉगिंग कर रहा था। कुछ अंकल मतलब कुछ अंकल से ऐसे ग्रुप तो वो ट्रिगर हो गए तो वो उसको ओवरटेक कर गए जस्ट टू शो कि हाँ हम ज़्यादा फिट है, आगे जाके हाँफ गए तो फिर वो जो जॉगिंग वाला था वो आगे वापस आ गया। तो यही चीज़ें मैं देखता हूँ, मेरे साथ भी होती तो मैं भी इग्नोर करता हूँ, बट हाँ हंसी भी आती है कि जो भाई कुछ चीज़ें साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती तुमको, खुद के लिए करो भाई, किसी को साबित करके क्या करोगे, अपना काम करना। और जैसा मैंने कहा वॉकिंग ज़्यादा बेस्ट है सबसे ज़्यादा, मतलब रनिंग से ज़्यादा बेस्ट जॉगिंग है, जॉगिंग से ज़्यादा बेस्ट वॉकिंग है, और सबसे वर्स्ट है कुछ नहीं करो, मतलब बैठे रहो, वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। तो तू गे है? अरे यार एक तो भाई एक तो सुबह सुबह केले नहीं मिलते यार, इसी जगह अपना झाबुआ रहता था भाई साहब कुछ मिल जाता अभी तक तो, इंदौर में एक ही दिक्कत है, सब चीज़ें लेट खुलती है, दूध भी लेट, केले भी लेट, सब चीज़ लेट, और लेट मिलती भी नहीं है, मतलब 9-10 बजे तक तो सब सिल बट्टे सन्नाटा। देख लो भाई। अरे अंकल जी आ ही गए, केले दे दो यार। कभी कभी यूनिवर्स से मांगते हो तो तुरंत भी मिल जाता है, ठीक है। हाँ दे देता हूँ ये वाला। ओके तो मैं तो सिर्फ शिकायत कर रहा था, पर वो चीज़ मिल भी गई, मतलब केले मिल भी गए, थोड़े ठीक ठाक ही मिले हैं, अब कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। भूपेंद्र जोगी। चलो भाई फिलहाल मैं घर चलता हूँ, अब बहुत हो गई बातें शातें और बहुत हो गई वॉक, एक घर जाके कोल्ड शावर लेते हैं। हमारे घर के इधर से प्लेन स्पॉटिंग देख लो, ठीक है भाई घर आ गए, आप थोड़ा सा एक रेस्ट लेते हैं, मतलब रेस्ट इन द सेंस थोड़ा सा एक काम डाउन होने देते हैं बॉडी को, एकदम बाहर से हीट होके आई है, भले वॉक पे थे पर फिर भी बॉडी अंदर से चार्ज अप हो गई है, तो एकदम तुरंत तो नहीं नहा सकते क्योंकि अपन को कोल्ड शावर लेना है, थोड़ा इसको नॉर्मल होने देते हैं, मतलब 10 मिनट छोड़ देते हैं, पानी वानी पी लेते हैं आराम से। और भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं रहेगा क्या भाई, एक तो भारी बहुत, एक तो उठाना पड़ेगा एक हाथ से, इतना भी ऐसे भारी नहीं कि उठा नहीं सकते, बट ये ग्रिप नहीं बनाता है ये। लेकिन एक सेकंड अब सोच रहा हूँ भाई तुमको सुबह सुबह नारियल का मिल गया भाई, सुबह नहीं कल रात में लेके आया था मैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने बॉडी में मेंटेन रखने पड़ते तो मैं हमेशा दो ही लेके आता हूँ। यूट्यूब इस पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का कुछ लगा नहीं ले भाई, छेद करने में तुम्हारा भाई एक्सपर्ट तो है। ये अच्छी बात है कि नारियल खुद ब खुद उसके स्टैंड के साथ आता है, कोई कोई मतलब हर कोई तो नहीं आते। चीयर्स। बढ़िया। बाकी भाई मजा आया, सुबह सुबह एक कैजुअल वॉक के साथ फिर एक नारियल पानी, अच्छा लगा, बॉडी ठंडी होती तो कितना अच्छा लगता वो भी नारियल पानी के साथ। फिलहाल मैं नारियल पानी पी लेता हूँ, थोड़े से आराम करता हूँ, फिर उसके बाद फिर नहाने जाता हूँ। बाकी भाई ये नारियल आजकल ना वो मलाई वाले नहीं आते, जिनको पता होगा वैसे कुछ कुछ को कि नारियल के अंदर भी मलाई निकलती थी उनकी, वो खाने में मज़ा भी आता था, पर पता नहीं क्यों आजकल के नारियल में गायब भी हो गई है, क्या मालूम इसको कैसे बना रहे हैं, नेचुरली प्रोसेस शायद से नहीं बन रही है, बट वो मलाई गायब हो गई है, या क्या पता शायद अभी भी आते होंगे नारियल वाले, मतलब वो मलाई वाले नारियल अलग आते हो, क्या पता, पता हो तो मुझे बता देना भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं।
और ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद मज़ा आता था, पूरा शरीर में झनझनी मच जाती है, झनझनी तो क्या मतलब शरीर एक्टिव हो जाता है। मेरे को क्या अभी थोड़ी देर से नींद भी आ रही थी, मतलब सुबह जल्दी उठने के सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है भाई कि नींद बहुत आती है, पर ठंडे शावर के बाद भाई नींद भग जाती है, मज़ा आता है। तो विंटर आर्क शुरू हो गया भाई और चैलेंजेस स्टार्ट कर दिए हैं अपन ने, तो समझ लो भाई अब मज़ा आएगा। तो भाई अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही, मैं अभी जाता हूँ वापस एडिटिंग करनी है, मैंने अभी जितनी देर रेस्ट कर रहा था उतनी देर एडिटिंग ही कर रहा था एज़ यूजुअल, तो मैं वापस से एडिटिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे, अपने को ध्यान रखें, मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।